भारत विकास परिषद एवं भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 24 अप्रैल 2022 रविवार को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। समय प्रातः 9 बजे। स्थान श्री महेश्वरी भवन सूरतगढ़। आज हम सभी सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए अपनी पार्टी से ऊपर उठकर और सभी एकमत होकर सूरतगढ़ जिला बने, जो कि यहाँ पर एयरफोर्स है, मिलिट्री छावनी है, बहुत बड़ा एक यहाँ जो है सीएसएफ फार्म है और सबसे बड़ा यहाँ ट्रेन जो है हर तरफ की यहाँ से निकलती हैं। और भौगोलिक दृष्टि से आज अगर सूरतगढ़ को जिला घोषित करते हैं तो किसी भी तरह का राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के कार्यालय खुलने की जगह भी है। हम सभी ये चाहते हैं कि सूरतगढ़ को शीघ्र अतिशीघ्र जिला घोषित करें। हम सभी उसमें तन मन धन से एक साथ हैं। बहुत बहुत आज ये जो आपने अभियान वगैरह चलाया है इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है, कांगड़ा जिले से दो टुकड़े हनुमानगढ़ को जिला बना दिया। उस समय भी सूरतगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान था और इसके बाद वो पॉलिटिकल दबाव की वजह से हनुमानगढ़ जिला बना दिया, जिसमें हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर रामपुरा है और 10 किलोमीटर यहाँ से भाड़थिड़ी है। वो सारा एरिया है राजस्थान के राज से सूरतगढ़ सिद्ध का एरिया सारा हनुमानगढ़ जिला में लगा दिया, जो कि हमारी चिपता ही बहुत नजदीक का एरिया है और भौगोलिक स्थिति और सबसे बड़ा याद स्थिति है कि हमारी सबसे बड़ी छावनी है, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी है या एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा थर्मल है, कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा है। इसके बावजूद है यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, लोगों के काम रहते हैं और इसलिए सूरतगढ़ के जिला प्रधान की मांग के अंदर आज हमने पोस्ट अभियान शुरू किया। ये जन जागरण का हिस्सा है, लोगों में जागृति करने के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया है कि पोस्ट संख्या लगा करके सब लोगों के घरों पर लगे ताकि लोगों में जागृति पैदा हो और इसके बाद में विशाल सभा एक आम सभा रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे अधिकतम शहर के लोगों की भागीदारी हो और जिला प्रधान के दबाव बढ़े। धन्यवाद। सूरतगढ़ थमल के मुख्य द्वार पर तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर 25 अप्रैल से प्रस्तावित क्रमिक अनशन स्थगित करने का निर्णय लिया। उच्च अधिकारियों ने संगठन को जल्द ही धरने का समाधान करवाने का आश्वासन देते हुए प्रस्तावित क्रमिक अनशन स्थगित करने का आग्रह किया, जिसे संगठन ने स्वीकार करते हुए प्रस्तावित क्रमिक अनशन स्थगित करने का निर्णय लिया। आज आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ इकाई द्वारा 1 मई को श्री गंगानगर होने वाली संवाद यात्रा के प्रभारी सौरभ चौधरी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सौरभ चौधरी ने बताया कि राजस्थान प्रभारी चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, जिसके लिए प्रत्येक जिले में संभाग में सदस्यता अभियान चलाकर यात्रा को सफल किया जा रहा है और संपूर्ण राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली का पंजाब मॉडल के आधार पर राजस्थान में परिवर्तन की लहर चलाएगी। इस अवसर पर आप नेता राधेश्याम उपाध्याय ने विचार रखे हुए कहा कि 1 तारीख संवाद यात्रा में मुख्य रूप से राजस्थान चुनाव प्रभारी द्वारका विधायक विनय मिश्रा शिरकत करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस अवसर पर पार्टी के हरजिंदर सिंह सिद्धू, लीलाधर स्वामी, हरजीत बरार, दर्शन यादव, महावीर स्वामी, परमजीत सिंह बेदी, अभिषेक गुम्बर, यूथ विंग के राहुल सेन, प्रताप सिंह नरुका, विमल सहगल, हरविंदर सिंह फौजी, सुबोध मिड़ा, रंजीत अटवाल, हरबख्श कौर बरांग, गोपाल दास हनुमानगढ़ से, जयप्रकाश बलानी, गुरबख्श ढिलो, राय सिंह नगर से, कानाराम नोखवाल, जगदीश डाल, सुचा से, संग्रिया से, सुरेंद्र सोनी तथा भजन से तथा अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदि कार्यकर्ताओं ने संभाग प्रभारी का स्वागत किया, विचारों से रूबरू हुए।